देखते हैं। हर जंप में एक सिमेट्रिकल पाथ होता है जिसे कहते हैं पिरामिना। बिना हिले डुले आप आगे बढ़ते रहते हैं और फिर ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है, और खूबसूरती से किया गया ये काम कईयों की बन जाती है कलाकारी। बेहतर टेक ऑफ के लिए एंगल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए 45 डिग्री। साइंस की एक और बात बता दो, रैंप पर हिट करने से पहले थोड़ी स्पीड रखिए। पर स्पीड के साइड इफेक्ट्स तो देख लीजिए। साइकिल तो ले जाओ मैडम। ओ यार, बाकी तो एवी घूम रहे, ये एवी कपड़ों के साथ नहाने घुस गई। चल झूठी, हर जगह से सूजी होगी, तू हलवा भी खाएगी ना, आज बन जाएगा सूजी का हलवा। ओए होए, अब देखते हैं ये बॉडी बिल्डर क्या गुल खिलाता है। कमान मेरे शेर, तेरी इसने तो गुलिस्तान ही बर्बाद कर दिया यार। एक ट्रेन्ड बाइक जंपर लैंडिंग की दूरी को भी जज करता है, और ये खूबी तजुर्बे के बाद ही भेजे में घर करती है। और अगर टेक ऑफ धीरे होगा तो जनाब की तरह लैंडिंग गलत होगी। गलत से मेरा मतलब है सबसे गलत और नाजुक जगह पर। अब इसने स्पीड तो सीख ली पर हवा की भावनाओं में बह गया। अरे यार, जब ढंग से प्रैक्टिस नहीं की तो क्यों बुला लिया पूरा शहर हंसने के लिए। तो दोस्तों, परफेक्ट जंप का फाइनल हिस्सा लैंडिंग, और सुकून भरी लैंडिंग के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है ऐसा लैंडिंग रैंप जो उसी एंगल पर सेट हो जिस पर टेक ऑफ रैंप होता है। अगर ये होमवर्क सही होगा तो समझो जंपिंग एग्जाम में आपको लैंडिंग में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये है चरणदास चोर। जब इसने पहली चोरी की थी तो ये पुलिस से बचकर कैसे भागा था, आज वही दिखाएगा। पर अब ये सुधर गया है और अब सिर्फ चोरों को भागने की ट्रेनिंग देता है। दरअसल इसने ये दिखाया कि चोरी करके भागने के लिए साइकिल का इस्तेमाल ना करो मेरे भाई, टांगे टूट जाएंगी। अबे यार, तू कभी मंदिर नहीं गया, सीढ़ियां नहीं चढ़ता वहाँ पे? अबे तू ना मंदिर के बाहर से चप्पले मत चुराइयो, कभी भाग नहीं पाएगा, अबे गिर जाएगा तू। अब इस उछलू छुछुंदर को कौन सी बीमारी यार, जिसका इलाज करवाने से घबरा रहा है। जानना चाहते हैं तो कीजिए इंतजार।